इस लेक्चर में हम सिमेट्रिकल फॉल्ट्स यानी थ्री फेज फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ सिमेट्रिकल फॉल्ट का शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन करने का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जानते हैं कि सिमेट्रिकल फॉल्ट होता क्या है। शॉर्ट सर्किट ऑफ ऑल द थ्री फेजेज सिमल्टेनियसली इज कॉल्ड सिमेट्रिकल फॉल्ट और थ्री फेज फॉल्ट। जब तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएं, तो इस प्रकार के फॉल्ट को सिमेट्रिकल फॉल्ट या थ्री फेज फॉल्ट कहा जाता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है ट्रिपल एल फॉल्ट, यानी कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हों और वो ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं हो। एग्जांपल के तौर पे ये ए बी और सी थ्री फेज हैं और ये तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट है, तो और लेकिन ये शॉर्ट सर्किट ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है, तो इस प्रकार के फॉल्ट को ट्रिपल एल फॉल्ट कहते हैं। और जेड एफ जो है वो फॉल्ट इम्पीडेंस है, उस ट्रांसमिशन लाइन का जितना इम्पीडेंस है उसको फॉल्ट स्टार्टिंग से लेकर फॉल्ट पॉइंट तक जो इम्पीडेंस है उसको फॉल्ट इम्पीडेंस कहा जाता है। तीनों फेज का फॉल्ट इम्पीडेंस जेड एफ है। दूसरा है ट्रिपल एल जी फॉल्ट, यानी कि तीनों फेज आपस में शॉर्ट सर्किट हों, साथ ही साथ वो ग्राउंड से भी कनेक्टेड हों, तो इस प्रकार के फॉल्ट को ट्रिपल एल जी फॉल्ट कहते हैं। यहाँ भी ए बी और सी थ्री फेज है, जेड एफ फॉल्ट इम्पीडेंस है, फॉल्ट पॉइंट और स्टार्टिंग से लेकर फॉल्ट पॉइंट तक जो इम्पीडेंस है ट्रांसमिशन लाइन का उसको फॉल्ट इम्पीडेंस कहा जाता है। द बिहेवियर ऑफ ट्रिपल एल फॉल्ट एंड ट्रिपल एल जी फॉल्ट इज आइडेंटिकल। दोनों फॉल्ट जो हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये जो फॉल्ट है सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है ये बैलेंस्ड इन नेचर होता है, बैलेंस्ड होता है, सिमेट्रिकल होता है। इसमें फॉल्ट होने के बावजूद तीनों फेज में करंट का मैग्नीट्यूड सेम होता है और फेज डिस्प्लेसमेंट भी 120 डिग्री मेंटेन रहता है। इसलिए ये दोनों जो फॉल्ट है ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट आइडेंटिकल होते हैं। दिस इज यूजुअली द मोस्ट सीवियर फॉल्ट। थ्री फेज फॉल्ट जो है वो मोस्ट सीवियर फॉल्ट है, सबसे ज़्यादा खतरनाक फॉल्ट है। दैट कैन अकर इन ए सिस्टम, जो कि सिस्टम में हो सकता है। फॉर्चुनेटली मीन्स भाग्यवश सच फॉल्ट्स अकर इनफ्रिक्वेंटली, लेकिन इस प्रकार के फॉल्ट थ्री फेज फॉल्ट जिसमें कि तीनों फेज शॉर्ट सर्किट हो जाए, इस प्रकार के फॉल्ट इनफ्रिक्वेंटली होते हैं, बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। एंड ओनली अबाउट 5% ऑफ द सिस्टम फॉल्ट्स आर थ्री फेज फॉल्ट्स। और सिस्टम में जितने भी फॉल्ट होते हैं उसमें सिमेट्रिकल फॉल्ट थ्री फेज फॉल्ट जो है वो 5% ही होता है, लगभग 5%। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिमेट्रिकल फॉल्ट का शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन या फॉल्ट कैलकुलेशन कहने का मतलब है कि हम फॉल्ट करंट का वैल्यू, वोल्टेज या फॉल्ट एमवीए पता करना है कि कितने फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, फॉल्ट होने के बाद कितना फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है, इसका पता करना, इसको फाइंड करना ही फॉल्ट कैलकुलेशन या शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कहलाता है। फॉल्ट कैलकुलेशंस डील विद डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेजेज फॉर वेरियस फॉल्ट कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में डिफरेंट लोकेशन पे वेरियस फॉल्ट कंडीशंस के लिए करंट और वोल्टेज का वैल्यू को ज्ञात करने को ही फॉल्ट कैलकुलेशन या शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन कहा जाता है। इन सिमेट्रिकल फॉल्ट ऑल द थ्री फेजेज आर सिमल्टेनियसली शॉर्ट सर्किटेड। सिमेट्रिकल फॉल्ट में तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। सिंस द नेटवर्क रिमेन बैलेंस्ड, चूँकि थ्री फेज फॉल्ट में जो नेटवर्क है वो बैलेंस्ड रहता है, इट इज एनालाइज्ड ऑन पर फेज बेसिस, इसलिए हम लोग तीनों फेज का करंट नहीं निकालते हैं, तीनों फेज का हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ एक फेज का एनालिसिस करते हैं, सिर्फ एक फेज में फॉल्ट का पता करते हैं, फॉल्ट करंट कितना फ्लो हो रहा है, क्योंकि तीनों फेज में सिमिलर कंडीशंस है, बैलेंस्ड कंडीशन है, इसलिए हम लोग इसका एनालिसिस, सिमेट्रिकल फॉल्ट का एनालिसिस पर फेज बेसिस पे करते हैं,
सिर्फ एक फेज में हम लोग करंट का वैल्यू, फोल्ड करंट का वैल्यू पता करते हैं। द अदर टू फेजेज कैरी आइडेंटिकल करंट, बाकी जो दो फेज है उसमें आइडेंटिकल करंट, सेम करंट फ्लो होता है, बट विथ ए फेज शिफ्ट ऑफ 120 डिग्री, बस 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। द फॉल्ट करंट इन द नेटवर्क इज कैलकुलेटेड एज पर फॉलोइंग प्रोसीजर। नेटवर्क में फॉल्ट करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसका प्रोसीजर निम्नलिखित है। पहला है, ड्रा द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ द गिवन सिस्टम। जो सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम कहने का मतलब है कि जनरेटर कनेक्टेड है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन से, तो जो भी सिस्टम है, जिस भी प्रकार का सिस्टम है, उसका हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं विथ रिस्पेक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर। प्रत्येक इक्विपमेंट का जो रिएक्टेंस है उसको भी शो करते हुए, दिखाते हुए सिंगल लाइन डायग्राम में हम लोग एक सिंगल लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इस पर जब हम न्यूमेरिकल बताएंगे तो आप इस चीज़ को ज़्यादा क्लियरली समझेंगे। सेकंड प्रोसीजर है, ड्रा रिएक्टेंस डायग्राम यूजिंग पर यूनिट सिस्टम। जो भी रिएक्टेंस दिया हुआ है अल्टरनेटर का या ट्रांसफार्मर का या ट्रांसमिशन लाइन का, उसे पर यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। पर यूनिट सिस्टम क्या है ये नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। और एक रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, उसमें सिर्फ उस रिएक्टेंस डायग्राम में सिर्फ सारे इक्विपमेंट का रिएक्टेंस होते हैं और वो पर यूनिट सिस्टम में रिएक्टेंस होता है, पर यूनिट वैल्यू होता है। इस पर यूनिट वैल्यू के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रोसेस है, शो द फॉल्ट पॉइंट ऑन सिंगल लाइन डायग्राम एंड रिएक्टेंस डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम और रिएक्टेंस डायग्राम दोनों पे फॉल्ट पॉइंट को शो करना है कि किस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस पॉइंट पे फॉल्ट हुआ है। चौथा है, ड्रा द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द रिएक्टेंस डायग्राम अक्रॉस द फॉल्ट पॉइंट। जहाँ पे फॉल्ट हुआ है उस पॉइंट के अक्रॉस हम लोग उस सर्किट का रिएक्टेंस डायग्राम का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालते हैं, यानी कि उस फॉल्ट पॉइंट के अक्रॉस थेवेनिन वोल्टेज कितना है और थेवेनिन इम्पीडेंस कितना है, ये वैल्यू हम लोग पता करते हैं। जैसे थेवेनिन थ्योरम के द्वारा हम लोग किसी भी नेटवर्क का थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन इम्पीडेंस निकालते थे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते थे, ठीक उसी प्रकार से इस नेटवर्क का थेवेनिन वोल्टेज और थेवेनिन रिएक्टेंस यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। उसके बाद जो फॉल्ट करंट का वैल्यू है वो होगा थेवेनिन वोल्टेज बाई इक्विवेलेंट रिएक्टेंस। जो थेवेनिन रिएक्टेंस जो इक्विवेलेंट आएगा, दोनों के रेशियो से हम लोग फॉल्ट करंट का वैल्यू निकालेंगे। और फॉल्ट एमवीए अगर पता करना है कि कितने एमवीए का फॉल्ट है, तो सिस्टम वोल्टेज से फॉल्ट करंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें फॉल्ट एमवीए मिलेगा। थैंक यू।